हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरयू वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्विच बोर्ड क्लीन करने का सबसे नया, आसान और सबसे सस्ता तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा कॉटन, इसको ब्रश पर इस तरह से लपेट लेंगे और उसके बाद हम लेंगे सिलाई का तागा और इसको भी इस तरह से हम कॉटन पर लपेट लेंगे ताकि जब हम क्लीनिंग कर रहे होंगे तो हमारा जो कॉटन है वो ब्रश से इधर उधर ना हो और इजीली क्लीनिंग कर सकें। ये है लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र, ये मैंने इस पर स्प्रे कर लिया। ये आता है, इजीली मिल जाता है, सबके घरों में सैनिटाइज़र होता है, तो इससे हम क्लीनिंग करेंगे। बोर्ड आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा काला हो रखा है, बहुत गंदा हो रखा है और ये देखिए मैल धीरे धीरे कॉटन पर और ब्रश पर आ रहा है और बोर्ड क्लीन हो रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉटन देखिए कितना काला हो चुका है, सारा मैल इस पर आ चुका है। मैं रेंट पर रहती हूँ इसलिए मेरे बोर्ड इतने काले हैं और घरों के बोर्ड वैसे इतने काले तो नहीं होते हैं, लेकिन जो गंदे हो रखे हों तो वो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ईजिली बोर्ड मेरा एकदम चमकने लग गया है। मैंने अपने घर के सारे बोर्ड इसी तरीके से साफ़ किए हैं, जो मैंने शुरू में आपको बोर्ड दिखाए हैं वो सब मैंने ऐसे ही क्लीन किए हैं लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र से। और ये आप देख सकते हैं बोर्ड एकदम चमकने लग गया है। आप जो देख पा रहे होंगे ये दूसरा बोर्ड है, ये देखिए कितना काला हो रखा है और इस पर पेंट भी लगा हुआ है वाइट कलर का। और मैं इसे भी ऐसे ही क्लीन करूँगी। आप हाथ को हल्के हल्के आप इसको रगड़ते रहें अपने हाथ से, हल्के हाथ से। और ब्रश, ये ब्रश मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ताकि किसी तरह का कोई करंट ना लगे। इसके लिए हमें सेफ्टी के लिए ब्रश यूज़ करना पड़ता है। और कॉटन की जगह आप किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई सा एक कपड़ा भी लेकर क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना काला बोर्ड हो रखा था, काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। और अभी एंड में एकदम क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगी इसे भी, जैसे कि पिछला बोर्ड मैंने आपको दिखाया। ये देखिए कितने काले काले दाग लगे हुए हैं। इन बोर्ड को तो छूने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, बहुत अजीब सा, बहुत गंदा फील होता था जब इनमें मैं छूती थी, ऑन करती थी, ऑन ऑफ करती थी। तो अभी ये क्लीन हो जाएगा, फिर बहुत एकदम साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगता है। और थोड़े से बोर्ड पुराने हैं इसलिए ऐसी कंडीशन में हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया, जो काले काले दाग थे, जो इस साइड में भी काला धब्बा था, वो सब क्लीन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।